अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत अच्छी वीडियो लेकर आए आप लोगों के लिए, वो है जी कैंची तेज़ करने की। क्योंकि ये कैंची जो है हमारे तकरीबन हर रोज़ इस्तेमाल में किसी न किसी तरह इस्तेमाल होती रहती है, क्योंकि इससे कभी कपड़ा काटना, कभी कुछ न कोई ना कोई चीज़ काटने काम आती रहती है। और बिल्कुल ये तेज़ ना हो फिर बहुत मसला बनता है। जैसे कि हमारी कैंची जो है इस वक्त तेज़ करने वाली हुई थी, ये देखिए अभी बिल्कुल ये काम नहीं कर रही है, देख सकते हैं आप लोग। तो इसको बाज़ार से लगवाना पड़ता है, बाज़ार से पैसे देना, आना जाना और बहुत मुश्किल होती है। तो इस तरह से आप इसको घर में बहुत आसानी के साथ तेज़ कर सकते हैं। जिसके लिए चाहिए होगा हमें ये रेगमाल हमें बाज़ार से आराम से आसानी से मिल जाता है। ये जो है ना लोहे का जंग वगैरह उतारने के लिए काम आता है, लकड़ी को प्लेन करने के लिए काम आता है। तो इसको हम ना इस कैंची को तेज़ करने के लिए ये यूज़ करेंगे और बहुत ईजी तरीके से आप लोग इसके साथ घर पर कैंची तेज़ कर सकते हैं। जिसके लिए चाहिए होगा मशीन का तेल है हमें ये वाला, ये हल्का सा ना कैंची को लगाएंगे, इस तरह से कैंची के तेल लगाएंगे दोनों साइडों पे। ये जगह होती है यहाँ पे लगाएंगे, इसका जो नट है वो थोड़ा सा अटक जाता है यहाँ पे, तो कैंची बिल्कुल तेज़ चलना शुरू हो जाती है। और इस तरह से ना रेगमाल को पकड़ना है और इस तरह से ना ये जो हिस्सा ना इसका यहाँ पे हमें इसको इस तरह से तेज़ करना है। थोड़ी देर के लिए हम इस तरह से इसको यहाँ पे रगड़ेंगे ना तो ये तेज़ होना शुरू हो जाएगी। दोनों साइडों पर करना है, इधर भी करना है और इधर भी करना है। और कुछ देर के ही देखिए इस तरह से ना कुछ देर बाद तेज होना शुरू हो जाएगी। इस तरह से आपको बाजार जाना नहीं पड़ेगा और घर पे इसी से ना आप आराम से इस तरह से तेज कर सकते हैं, पैसे भी बच जाएंगे। इतनी महंगाई में जितना हो सके कम से कम खर्चा करें। इस तरह से आप करते जाएंगे थोड़ी देर के लिए, इंशाल्लाह आपकी कैंची बहुत अच्छी है, बहुत तेज़ हो जाएगी। अभी मैं आपको काट के बताती हूँ, काफ़ी हद तक ये ना तेज़ हो गई है। ये देखें, ये देख सकते हैं आप लोग, पहले ये काट नहीं रही थी लेकिन अब देखें, अब मैं सिर्फ 2 से 4 मिनट बस किया है, देखिए बिल्कुल ना कट चुका है। अभी हम इसको और करेंगे, उसके बाद अच्छी तरीके से कपड़े के साथ साफ़ कर लेंगे, कैंची बिल्कुल ठीक हो जाएगी। देख सकते हैं मैंने इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट इस तरह से किया है, कैंची बिल्कुल तेज़ हो चुकी है। तो कैंची को ना ज़रा एहतियात किया करिए, पानी गर्म में ना रखें, क्योंकि अक्सर हम काट के कहीं भी रख देते हैं तो पानी गर्म जो लग जाता है उससे कैंची में जंग लग जाता है, या सख्त चीज़ काटे उससे भी कैंची की जो दार है वो ख़राब हो जाती है। तो अपनी इस चीज़ का एहतियात करनी है। और ना ये देखें कैंची बिल्कुल तेज़ हो चुकी है, अभी मैं इसको साफ़ करती हूँ। देखिए सर तेल मेरे सारे हाथों पर लग चुका है, अभी मैं इसको साफ़ करती हूँ। ये देख सकते हैं कैंची जो बिल्कुल तेज़ हो चुकी है, ये देखिए ज़रा, ये तो अभी मेरे पास कागज़ थोड़ा हार्ड है तो, लेकिन जो कपड़ा होगा ना बहुत अच्छा इससे काट सकेंगे आप लोग। देख सकते हैं इसका क्या हाल हो गया बेचारे का, ये देखें अशर से नशर हो गया इसका, ये देख सकते हैं आप लोग। तो इंशाल्लाह आपको आज की मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कैंची को तेज़ करने का जो तरीका मैंने आपको बताया है, इन 3 चीज़ों से कैंची आप आराम से घर बैठे इसको ना तेज़ कर सकते हैं। और ये जो मेरी तरीका ना अपनी ज़रूरत ना है, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना कि आपको ये तरीका कैसा लगा, और बाज़ार जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये एक चीज़ रेगमाल से। ये कैंची देखिए बिल्कुल तेज़ हो चुकी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप लोगों ने लाजमी मुझे कमेंट में बताना है कि आपको ये तरीका कैसा लगा, और एक दफ़ा करना है और करके बताना है कि आपको ये वाकई सही लगा या नहीं लगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना, शेयर करना है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।